नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का इंजन फेल हो गया है। अब उनका इंजन राहुल गांधी और कांग्रेस के सहारे खींचा जा रहा है। उनकी गाड़ी को राहुल गांधी और कांग्रेस के सहारे खींचा जा रहा है, इंडिया के सहारे खींचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश से लोगों का सम्मान खत्म किया है, इस देश से मानवता खत्म की है और इस देश से मोहब्बत खत्म की है। लेकिन राहुल गांधी उसे ही जोड़ने में लगे, इसी से सबसे ज्यादा मिर्ची आरएसएस और बीजेपी को लगती है, उनके नेताओं को। इसीलिए राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो मिर्च लग जाती है भाजपा के नेताओं। जी हां, कुछ ऐसा ही है। मैं बात कर रहा हूं कि एक घटना होती है छोटी सी, उसी से शुरू करता हूं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से, यानी जहां नरेंद्र मोदी रहते हैं, वहां से उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाती है, बड़े जोर शोर से शुरू की गई थी, बड़ी उपलब्धियां बताई गई थी और न जाने क्या क्या। वही नई नवेली वंदे भारत ट्रेन चलती है और इटावा रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते उसका इंजन फेल हो जाता है। इसके पहले भी हमने देखा, कहीं कोई छोटा मोटा जानवर उससे टकरा गया तो वंदे भारत ट्रेन टूट गई, कहीं कुछ और हो गया तो वंदे भारत ट्रेन रुक गई, कहीं उसका एसी और वो सब खराब हो गया और जो है होने लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी तो वंदे भारत ट्रेन का, तो ये हुआ। तो अब इंजन ही फेल हो गया। अब जब इंजन फेल हो गया तो घंटों घंटों ट्रेन खड़ी रही, यात्रियों ने शोर मचाना शुरू किया, कह रहे हम क्या करें, इस गर्मी में कैसे रहें। और जब ये सारी सिचुएशन हुई तब तुरंत वह पुराना इंजन लाया गया जो कांग्रेस का बनाया हुआ था। कांग्रेस के बनाए जो कोच थे, वो थे फैक्ट्री, उसी से बन के आया था और बहुत पुराना था, इन्होंने यह कह के रिटायर कर दिया था। बहरहाल वह इंजन खींच के वंदे भारत ट्रेन को गंतव्य पे ले गया। अब नरेंद्र मोदी जब भी होता है वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, तमाम किस्से बताते हैं, स्वदेशी और न जाने क्या क्या बताते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जान लीजिए कि स्वदेशी है क्या असल में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में एक इंजन की कोच बनाने की फैक्ट्री चेन्नई में न्यू पत्थर रखा था 2 अक्टूबर 1955 को, और वो 2 अक्टूबर 1962 को देश को समर्पित की गई और वहां से ही वंदे भारत ट्रेन का सारा कोच और सब कुछ बनता है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की नहीं। उसने चीन की भी जो फैक्ट्री है उसे पीछे छोड़ रखा। अब आप समझ सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो विजन था और 1955 में उन्होंने वो सोच के कर दिया। तब उसी में बनी वंदे भारत ट्रेन के ये, और उसमें इन्होंने ठेका दे दिया अदानी अंबानी जैसे लोगों को। बस वहीं गड़बड़ हो गया, बाकी सब ठीक था, बड़ा मजबूत बनता था, सदैव से बनता चला रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि ऐसी ट्रेन बना रहे हैं कि वो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है उसमें, और हम वो लगातार देख रहे हैं। कभी वो टपकने लगती है थोड़ी सी बारिश में, कभी उसमें कुछ और हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यह हालत है, तब उसको ढकने का काम होता है और हमारे रेल मंत्री सिर्फ रेल बनवाते रहते हैं,
शेष उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रेन हादसे होते हैं, ट्रेनों पे साजिशें होती हैं, सब कुछ होता है और उन्हीं के समय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पता नहीं क्या करता है, जीआरपी पता नहीं क्या करती है, समझ में नहीं आता है। इतना भयंकर खर्च और न ट्रेन सुरक्षित, न ट्रेन के डिब्बे सुरक्षित, न ट्रेन का इंजन सुरक्षित और न यात्री सुरक्षित, यह हालत करती है। तब बचाने कौन आता है? राहुल गांधी आते हैं, कांग्रेस पार्टी का इंजन आता है। तो बहरहाल यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका की यात्रा पर है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में वो पहली बार गए और वो वहां पहुंचे तो टेक्सास यूनिवर्सिटी में उन्होंने संबोधित किया, क्वेश्चन आवर सेशन लिया और वहां पर जब उन्होंने बोला तो एक ही चीज बोली, चूंकि भारत में, जो भारत मोहब्बत का देश है, जो भारत सम्मान का देश है और जो भारत मानवता का देश है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसमें नफरत बो दी, उसमें झूठ बोया और उसमें सभी का सम्मान छीनने का काम किया है, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने मुनाफे के लिए जीते हैं। जब यह करते हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है, तो सवाल तो खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से आरएसएस बीजेपी ने नफरत बोली। तब राहुल गांधी उसी अभय मुद्रा की बात करते हैं जो अभय मुद्रा की बात उन्होंने संसद में की और जो सभी धर्म वही समझाते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, यहूदी धर्म हो, कोई भी धर्म, सब अभय मुद्रा बताए। तो कांग्रेस उस अभय मुद्रा पर यकीन कर कि जियो और जीनो, न डरो न डराओ। तो इस सिद्धांत पर जब काम करती, कांग्रेस का मानना है कि भारत एक विचार नहीं, भारत विचारों का समूह है और भारत तमाम भाषाओं, तमाम क्षेत्रों, तमाम संस्कृतियों, तमाम चीजों का सामंजस्य, तमाम धर्मों का सामंजस्य और वह मिलकर भारत बना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या करते हैं, वो भारत को एक विचार कहते और उसको लेकर के नफरत फैलाते, अपने खुद रहेंगे बाकी किसी को जीने नहीं देंगे, यानी बाकी सबको खत्म कर दो, सिर्फ एक विचार रहेगा, एक विचारधारा के लोग। कांग्रेस कहती है सर्व विचारधारा के लोग, सबको जोड़े, कोशिश करेंगे कि सब जोड़े, तो अलग अलग होते हुए भी हम एक सूत्र में बंधेंगे, लेकिन सबको अपने अपने तरीके से जीने का, खाने का, रहने का, संस्कृतियों के हिसाब से आचरण करने का अधिकार होगा। यह सोच, हर एक की अपनी भाषा अपना धर्म, तो उसमें कहीं किसी की वो नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को इस पे तकलीफ होती, आरएसएस को तकलीफ होती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान इन सारी चीजों की व्यवस्था कर, भारत का संविधान हर व्यक्ति को उसकी मान्यताओं के अनुसार, उसकी संस्कृतियों के अनुसार, उसकी भाषा के अनुसार, उसके अपने क्षेत्र के अनुसार जीने खाने पीने सबकी स्वतंत्रता प्रदान कर और सबको सम्मान देता है, सबको प्यार देता है और सबसे बड़ी मानवता की रक्षा कर। इसीलिए हम संविधान के साथ खड़े हुए और हम संविधान के लिए लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने सिवा, आरएसएस को अपने सिवा कोई नहीं देता, इसलिए वो बाकी सबको खत्म कर देना चाहते हैं, यह स्थिति है। तो यह एक बड़ी चीज है, आरएसएस जिस तरीके से नफरत फैलाती है तो वह समझ में आती, उसके जरिए वो डराना चाहती है, वो डराने की हर मशीनरी का इस्तेमाल करती, उसके लिए सेना, पुलिस, जांच एजेंसियां,
न्यायपालिका और दूसरी तमाम जितनी संवैधानिक संस्थाओं जिन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, शैक्षणिक संस्थाओं जिन पे उन्होंने कब्जा कर लिया, उन सब के जरिए हमला करते हैं, डराते हैं। हमारा मानना है कि नहीं, हर व्यक्ति को इस तरह से स्वतंत्र करो कि वो डरे नहीं, सम्मान करे, प्यार करे और मानवता के लिए उन सारी मान्यताओं का पालन करे जो सब एक दूसरे से जोड़ती हो। तो यह बात, और उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि अमेरिका में आज जो प्रवासी भारतीय हैं वो इसलिए हैं कि जो भारतीय संविधान ने, भारत की जो विचारधारा थी, जो विभिन्नता में एकता की विचारधारा थी, उसने उन्हें इस योग्य बनाया कि वो जब अमेरिका में आए तो अमेरिका भी उनसे मोहब्बत करने लगा और वो भी उससे मोहब्बत करने लगा। वो भी अमेरिका का सम्मान करते हैं, अमेरिका भी उनका सम्मान करता है। वो भी मानवता का पालन करते हैं, अमेरिका भी मानवता का पालन करता है। तब आज वो भी बड़े हैं और वो भी बड़े। राहुल गांधी हजारों प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं, टेक्सास यूनिवर्सिटी में संबोधित किया फिर उनको, और उन्होंने पूरे विचारों को साझा किया कि हम क्या चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए। हर किसी ने दिल से बिल्कुल उसको सराहा और उन विचारों के साथ खड़े होने की बात करी, कसम ली। तो यह संदेश जाता है और यह संदेश पूरे अमेरिका में गया कि भारत आज भी स्वामी विवेकानंद वाला ही भारत, वो गांधी नेहरू वाला भारत, और वो उन मनीषियों वाला भारत है जो मनीषी जब अपने धर्म ग्रंथ लिखते हैं तो किसी से नफरत करना नहीं सिखाते, किसी को मार देना नहीं सिखाते हैं, बल्कि सभी को समाहित कर लेना सिखाते हैं और सबके धर्म का, सबके विचारों का सम्मान करना सिखाते हैं। तो राहुल गांधी की इन बातों से सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? आरएसएस को लगी, बीजेपी को लगी, और बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता बौखलाने लगे। उमा भारती उन्हें कहने लगी, राहुल गांधी अब मुद्रा की बात करते हैं तो दूसरे हाथ को भी देखें जिसमें त्रिशूल है, तलवार है, धनुष बाण है। एक हाथ से न धनुष चल सकता है, न तलवार चल सकती है और न त्रिशूल चल सकता है, उसके लिए अभय मुद्रा वाला हाथ चाहिए, और अभय मुद्रा वाला हाथ प्यार के साथ चलता है। वो तभी साथ देता है, त्रिशूल तभी उठता है जब अन्याय हो रहा होता है, धनुष बाण तभी चलता है, राम चलाते हैं जब अन्याय के खिलाफ चलाते हैं, और तलवार माता तभी उठाती है, खड़क तभी उठाती है जब अन्याय हो रहा हो, मानवता को खत्म किया जा रहा हो, प्रेम को खत्म किया जा रहा हो, सम्मान को खत्म किया जा रहा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या होता है? आपका सम्मान भी खत्म होता है, प्रेम भी खत्म होता है और मानवता भी। मणिपुर में मानवता भी मर रही है, लाज लूटी गई है, रोज लूटी जा रही है, और त्रिशूल चलाने की बात कहते हैं, वहां तो रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, गोलीबारी हो रही, मणिपुर राइफल्स पे किस तरीके से हमला हुआ, क्या क्या हुआ, किसी से क्या छिपा है? डेढ़ साल से मणिपुर जल रहा है, बेटियां द्रौपदी की से भी विभत्स स्थिति में नग्न की गई हैं, हत्या की गई हैं, सब कुछ हुआ है। हर वो घिनौना काम हुआ है जिसे मानवता भी शर्मसार हो रही है और प्रेम भी, सम्मान भी। वो भारत का जैसे हिस्सा ही ना हो, नरेंद्र मोदी ऐसे डरा हुआ घूमता है और वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। दुनिया के 3 दर्जन देशों में उस 1.5 साल में वो घूम आता है, लेकिन उसमें यह हिम्मत नहीं होती है। भारत में प्रचार करने के लिए हर कोने में चला जाता है पर हिम्मत नहीं होती है कि वहां जाए, उनके दर्द को साझा करे और उसकी समस्या का समाधान करे। तो यह अपने आप में बताता है कि कितना डरपोक
और कितना कायर है। यही बात राहुल गांधी कहते हैं। जब 4 जून को नतीजे आए तो उसके बाद नरेंद्र मोदी का, भाजपा का जो आरएसएस का डर था, वो इस देश के लोगों के दिल से निकल गया और अब लोग डरते नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी बौखलाए। आप याद करिए 2019 में जब अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉजेस खत्म किए गए थे और अनुच्छेद 35A खत्म किया गया था, तब दावे किए गए थे बड़े बड़े, और उन दावों के बाद में क्या होता है इसकी सच्चाई कल वहां पर राजनाथ सिंह ने ही बता दी। राजनाथ सिंह ने बताया कि कश्मीर में आतंकवाद ने सबसे ज्यादा यदि किसी की जान ली है तो मुस्लिमों की ली है। वहां 85% मुसलमान मारे गए हैं अकेले, 85% मुसलमान, और हिंदू सिख ईसाई और दूसरे तमाम सारे लोग जो मिलाकर के, बौद्ध सब मिलाकर के जो मारे गए हैं, उनकी तादाद सिर्फ 15%। यानी जो ये नफरत पूरे देश में फैलाई जाती है कह के कि वहां पर तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां ये सुरक्षित नहीं है, वहां वो सुरक्षित नहीं है, वहां असुरक्षित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आरएसएस ने किया है, 1990 में किया था, 18 जनवरी 1990 को जब बसों से भर भर के कश्मीरी पंडितों और दूसरे हिंदुओं को बाहर फेंक दिया गया, उनके ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए थे, आतंकी हमले, और उसमें बचाव में मुस्लिम्स आए थे और उन मुस्लिम्स को मारा गया था। हिंदू तो उस समय जो कश्मीरी पंडित है बहुत थोड़ी मात्रा में मरे थे, लेकिन मुस्लिम उससे 85% मरे। तो आप समझ सकते हैं कि यह सत्य है और यह स्वीकारा उन्होंने, जो रक्षा मंत्री है, आधिकारिक आंकड़े। यही बात मैं आपको बताता आया। बहरहाल तो वहां पर जब यह खत्म किया गया 2019 में, 5 साल नरेंद्र मोदी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वहां जाने की हिम्मत नहीं। जब चुनाव आया तब वो पहली बार वहां गए, और जब गए तो इतनी सुरक्षा, इतना चाक चौबंद कि लगे परिंदा भी पर नहीं मार पाए। और वही हुआ, एक एक आदमी को घर से लेके वहां तक जांच के लाया गया उनके कार्यक्रम के लिए, यह दिखाने के लिए कि नहीं, प्रधानमंत्री तो आ सकते। आज भी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वहां बेखौफ जा सके, और आतंकवाद वहां इतना बढ़ गया इस दौर में जितना पहले कभी नहीं हुआ। मॉब लिंचिंग भी हुई, टारगेट किलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, और पट 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 सेना के कमान पर हमले हो रहे हैं, कहीं उनकी ब्रिगेड पे हमले हो रहे हैं, कहीं उनके रेजिमेंट पे हमले हो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में पहली बार हुआ कि पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, 3 दिन तक उस पर कब्जा रखा पाकिस्तान के उन आईएसआई के एजेंट। तो यह आप समझिए, इतना असुरक्षित किया, तब जब देश को इतना असुरक्षित कर दिया हो, इस हालत में कर दिया, सवाल उठता है आपने किया क्या। असल में आपने नफरत फैलाई है, कभी नूह मेवात में हिंसा कराएंगे, कभी हिंदू जाट को लड़ाएंगे दूसरे को, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, कभी हिंदू ईसाई लड़ाएंगे, कभी हिंदू सिख लड़ाएंगे, कभी पंजाबी और गैर जो है जाट लड़ाएंगे, और इसके बाद में कभी दलित और दूसरी जातियां लड़ाएंगे, और यही कर नफरत का खेल चलता है। इस नफरत की प्रयोगशाला इस ढंग से चलती है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 207 इनकाउंटर का रिकॉर्ड है उसमें 65 सिर्फ मुस्लिम मारे गए, सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा ओबीसी मारे गए, और थर्ड नंबर पे ब्राह्मण मारे गए। तो आप इससे समझ लीजिए कि यह सत्य है, और उसके बाद फिर दलित मारे गए, दलित और जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, तो आदिवासी दलित और ये सारे। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो राहुल गांधी कहते हैं 90% की बात,
वह साबित हो जाती, यही सत्य। इसलिए नफरत और हिंसा वाले लोग, इसलिए राहुल गांधी जब सच बोलते हैं तो उमा भारती जो गंगा सफाई के नाम पे घोटाला करती हैं वो उन्हें समझाने लगते हैं। गिरिराज सिंह जो मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार का, वो बौखलाने लगता है, वो कहता है आरएसएस को 7 जन्म में राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल समझने की जरूरत भी नहीं है, ऐसी आरएसएस को क्या समझे जो इतनी डरपोक हो, इतनी कायर हो कि माफी मांगते मांगते रहती हो, एफिडेविट देती हो कि नहीं हम पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते हैं, हम पढ़ते नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं, हम तो सांस्कृतिक हैं, सामाजिक संगठन है और सारे पॉलिटिकल काम करते। फिर उसके बाद जो पैसे का घोटाला करते हैं, इनके तमाम संगठन सब पैसा वसूलते हैं और उसके बाद में न बही न खाता न कुछ, सब लूट का माल चल, तमाम संस्थाओं पर कब्जा करते हैं और भ्रष्टाचार फैल। तो आप समझिए ऐसे को क्या समझिए। और तमाम सारे नेता इसी तरीके से बिलबिलाने लगते हैं। बहरहाल राहुल गांधी कि उन्हें अपनी राह पता है और वो उस पर चलते हैं कि हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए मोहब्बत होनी चाहिए और हर व्यक्ति के लिए ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, यानी मानवता, मोहब्बत और प्रेम, यही मंत्र है राहुल गांधी का।